हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 58,000 यूपी ग्राम पंचायत फार्म जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लाइव मैंने फॉर्म फिल करके फ़ोटो चस्पा करके सब कुछ किया है, तो आपको करके दिखाने वाला हूं। एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है और आप नौकरी से चूक जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा जैसे आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है जो मैंने रेड कलर का एरो लगाया है, इसी तरह मैं फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ पर क्या आपको फिल करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये आपके स्क्रीन पर अभी आपको सादा यानी कि खाली फॉर्म दिख रहा है जो कि आपको फॉर्म अभी भरा नहीं गया है, लेकिन ये नीचे स्क्रीन पर आप देख लीजिए पूरा का पूरा फॉर्म भरा है। तो मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, बस ज़रूरत है कि आप वीडियो के साथ बने रहें। और एक चीज़ आपको बता दें, ये फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने भरा है और ये वाला फॉर्म अनुबंध फॉर्म इसको भी बताऊँगा, लेकिन इसको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि आखिर इसमें करना क्या है और आपको कैसे भरना है। ये बहुत ही समझदारी से भरना है और ये स्टाम्प पेपर पर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको फिल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल ये वाला फॉर्म जो आपको दिख रहा है, ये पहला जिसमें फोटो आपको चस्पा करना है, इसको चलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कहाँ पर क्या फिल करना है। तो ये देखिए, मैंने इसका फोटो कॉपी करवा लिया था और फोटो कॉपी करवा के फॉर्म को मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पर आपको एक फोटो चस्पा करना है जैसे कि ऑलरेडी लगाया गया है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक का नाम यहाँ पर होगा, इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम होगा, ठीक है, जो नाम होगा आप अपने पिता का नाम भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ होगा और आप कितने एज के हुए हो, ईच एज आपको भरना है वर्ष में, मंथ में और दिन में, यानी कि 27 साल 5 महीने 26 दिन ये आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप मेल हो फीमेल हो ये चीज़ आपको फिल करना है। और इसके बाद ये देखिए आपका यहाँ पर ये 7 नंबर का कॉलम जो है, ये 7 नंबर पर आपको क्या भरना है, एड्रेस यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर पर क्या लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पर आइए, देखिए ये देखिए 7 नंबर पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, पत्र व्यवहार का पता। तो यहाँ पर आपको पत्र व्यवहार का पता भरना है जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आपको नीचे मैंने फिल कर दिया है, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ये वाला नंबर, ठीक है। इसके बाद ये आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं सिंपली कुछ नहीं करना है, अब नीचे आना है, आपको अपना एजुकेशन सब कुछ फिल करना है जो यहाँ पर, मैं ये वाला फॉर्म आपको पहले दिखा दूँ। चलिए ये वाला कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्म शैक्षणिक जो योग्यता वाला है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। चलिए ये वाला, चलिए अब नीचे आपको दिखाते हैं यहाँ जो मैंने फिल किया है ये वाला, ठीक है। सिंपली आपको सबसे पहले क्या फिल करना है, यहाँ पर 10 का अपना, आपने 10 कब पास किया 2010 में, और ये मैंने अपना फिल किया उसको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद यूपी बोर्ड, ठीक है, आपके स्कूल का नाम होगा और स्कूल के नाम के साथ साथ आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे यहाँ पर आपके हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, ठीक है। कितना आपका परसेंट है, इस परसेंट को आपको फिल करना है, ठीक है, 75% है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इंटर का अपना यानी कि 12वीं कक्षा का फिल करना, सेम वही प्रोसेस, किस सन में आप पास हुए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका, और इसके बाद कितना आपका परसेंट है, ठीक है, इस चीज़ को आपने फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर फाइनली आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर का कोर्स। एक चीज़ आपके मन में डाउट्स होगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं वीडियो पर, क्या ट्रिपल सी अनिवार्य है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपके पास अगर ट्रिपल सी है तो आप यहाँ पर ट्रिपल सी लिख सकते हैं, अगर आपके पास ए डी सी है तो ए डी सी लिख सकते हैं, किस सत्र में आपने किया है वो लिखना है, और यहाँ पर अपने कोर्स का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है सी सी है, ए डी सी है, जो भी है आप लिख दीजिएगा। ये जो नीलिट है, ये नीलिट क्या है, ये संस्था का नाम है, जैसे आप बीए करते हैं राम मनोहर लोहिया से या पूर्वांचल से, तो उसी प्रकार ये ट्रिपल सी का एक संस्था है, नेलेड डॉग सोसाइटी, ये चीज़ यहाँ पर फिल किया गया है। अगर आप एडीसी किए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो जो भी आप किए होंगे यहाँ पर आप फिल कर लीजिएंगे, ठीक है। और आपका कौन सा ग्रेड है, यहाँ पर आपको अपना ग्रेड फिल करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपको मांगा है कार्य अनुभव, अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है, जैसे आपने कहीं पर काम किया है कंप्यूटर ऑपरेटर का किसी के यहाँ, तो वो चीज़ आप फिल कर दे सकते हैं कि हाँ हमने 2 वर्ष 3 वर्ष किया है। तो मैं भाई डेली वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, तो रोज़ वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ और बहुत सारे काम होते हैं जो मैं करता हूँ, इस वजह से मैंने 2 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस लगा दिया। चलिए अब फाइनली मैं बात करता हूँ, ये जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर की बात है, इसको समझ लीजिए ये बिग
बिग इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज ये चीज़ जान लीजिए, आपको सिर्फ अभी वो फॉर्म ही फिल करना था और फॉर्म के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के जमा कर देना है। जमा करने की तारीख आपकी पता है 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त, यानी कि जुलाई अगस्त, ये जुलाई ख़त्म होगा आपका, 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आपको अपने पंचायत कार्यालय में जमा करना है। अब ये फॉर्म की बात आती है तो ये वाला चीज़ आपको क्या करना है, स्टाम्प पेपर पे शपथ प्रमाण पत्र है। ये शपथ प्रमाण पत्र कब आपको फिल करना है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तब आपसे ये शपथ लिवाया जाएगा और इसमें आपको सारी जो बातें हैं वो चीज़ों कर शपथ की हाँ आपको मंजूर है, ये चीज़ स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी बोलते हैं इसको, ये चीज़ वहाँ पर आपको करना होगा। इसकी मैं वीडियो आपको फाइनली करके बता दूंगा जैसे ही सिलेक्शन होता है, या जो भी अगली वीडियो मैं बना दूंगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। अगली वीडियो क्या, जो भी आप लोगों के लायक वीडियो हो, इन्फॉर्मेशन वीडियो हो, वो आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना हमारे मोटिवेशन के लिए। भीमा चित्रा सर के लिए आप लोग हमारे अपने हैं तो भाई जो लाइक करते हैं उनका दिल बड़ा होता है, तो प्लीज़ अपने सर के लिए, भीमा चित्रा सर के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर तो बिल्कुल करना ना भूलें ताकि आपके भी जो दोस्त हैं आपके सगे संबंधी वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।